everyone and a very warm welcome or welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and here is a video on organizational psychology. और आज का जो topic हम discuss करने वाले हैं video में, that is related to quality circles and MBO. अब क्या है ये MBO? It is management by objectives. So without wasting any further time, let us get started. I hope that you have already subscribed to the channel so that you receive all the upcoming videos जो कि psychology entrances let's crack it series से related है, जिसमें हम अंडरग्रेजुएट लेवल का सारा सिलेबस कंप्लीट करें। सो इन टुडेज वीडियो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे एमबीओ के साथ कि एमबीओ क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सो जिसने इस वीडियो से पहले वाली जो कल मैंने शाम को वीडियो अपलोड की थी 6 PM पे, वो वीडियो जिसने देखी होगी रिलेटेड टू वर्क मोटिवेशन, उसमें एक प्रोसेस थ्योरी हमने डिस्कस की थी जिसका नाम था गोल सेटिंग थ्योरी। इफ यू रिमेंबर, गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? एवरीवन हु सॉ दैट वीडियो, लॉक एंड लैदम ने दी थी, है ना। और गोल सेटिंग थ्योरी बेसिकली यही कह रही थी कि गोल ही एक मोटिवेटर की तरह सर्व करता है। अगर हम एम्प्लॉयज को एक गोल देंगे जो कि स्पेसिफिक है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है, एक्सेप्टेबल है उनके लिए, और उनको कॉन्स्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे, तो वो चीज़ उनको मोटिवेट करेगी कंपनी के लिए और वर्क करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसी गोल सेटिंग थ्योरी का बस एक एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में। एंड ये जो टर्म है ये सबसे पहली बार आउटलाइन करी थी पीटर ड्रकर ने, तो 1954 का ईयर था जब पीटर ड्रकर ने सबसे पहले आउटलाइन की थी ये टर्म, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और ये टर्म इन्होंने कहाँ पे आउटलाइन की थी? इन हिज बुक दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इन द नेम ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसी के अंदर उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स नाम की टर्म इंट्रोड्यूस करी और बताया कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो गोल सेटिंग थ्योरी है उसका एक एप्लीकेशन होता है एंड इट इज अ गोल सेटिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ। एक गोल सेटिंग प्रोसेस ही होता है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि ये गोल सेटिंग प्रोसेस कैसे है। तो इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर जो है, देखो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ पार्ट ऑफ, हमारे पास एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज को टीम के हिसाब से मैनेज करने वाले मैनेजर्स होते हैं और फर्दर उन मैनेजर्स के भी सुपरवाइजर्स होते हैं जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं, है ना। तो एक गोल सेटिंग प्रोसेस में होता क्या है कि एक मैनेजर अपने सुपरवाइजर के साथ कॉन्स्टेंटली मीट करता है टू सेट सर्टन गोल्स जो वो लोग अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं और जो मैनेजर ने अपने खुद के लिए रखे हैं, ठीक है। उन गोल्स को सेट करने के लिए वो अपने सुपरवाइजर से मिलता है। इन एडिशन वो उन गोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी अपने सुपरवाइजर से मिलते रहते हैं, टू विच कि कितने एक्सटेंट तक जो पहले गोल्स सेट किए थे वो मीट हो चुके हैं, वो अचीव हो चुके हैं। तो गोल सेटिंग प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व हैं कि मैनेजर और सुपरवाइजर की मीटिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट सम गोल्स एंड देन फर्दर मैनेजर एंड सुपरवाइजर की मीटिंग टू एनालाइज कि जो पहले गोल्स सेट किए थे वो कितने हद तक अचीव हुए हैं, कितने हद तक वो चीजें जो है सॉल्व हो गई हैं। सो वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एमबीओ सक्सेस? अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही चुका होगा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज की एक प्रोसेस जिसमें हम गोल सेटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मैनेजर और सुपरवाइजर्स मिलके गोल को सेट कर रहे हैं और उसको उसके प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी की जाए जिससे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सक्सेसफुल हो सके, जिससे ये गोल सेटिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सेट गोल्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ऐसे गोल्स सेट होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के टूवर्ड्स काम करते हों, कॉन्ट्रीब्यूट करते हों, ना कि ऐसे गोल्स जो सिंपली हमारा पर्पज सॉल्व करें। सो गोल्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जो आप गोल सेट कर रहे हो, तो मैनेजर एंड द सुपरवाइजर जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और डिफिकल्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे डिफिकल्ट के आगे स्टार मार्क इसीलिए ऐड कर दिया गया है
बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल, जैसा हमने गोल सेटिंग थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि ये जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यू नो अचीवेबल ही ना हो, इम्पॉसिबल टारगेट हो जाए, और डिफिकल्टी लेवल इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ईजिली अचीव हो जाए और किसी काम का ना रहे. सो गोल्स जो है उनका एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी होना चाहिए ताकि थोड़े वो चैलेंजिंग रहें, प्लस जो गोल्स हैं वो आपके एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि आप इजीली अपना पाथ जो है वो डिसाइड कर सकें. थर्डली, सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट एंड रैपो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन मैनेजर एंड सुपरवाइजर. तो जो मैनेजर और सुपरवाइजर हैं जो आपस में मिलकर अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रैपो होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ताकि जो है वो खुल के एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सकें और इन टर्न जो भी गोल्स वो लोग सेट कर रहे हैं वो इफेक्टिव ही हो. एंड लास्टली, एक परफॉर्मेंस फीडबैक मिलता रहना चाहिए. सो फ्रॉम द सुपरवाइजर, मैनेजर को भी परफॉर्मेंस फीडबैक मिलता रहना चाहिए कि हाउ वेल और हाउ नॉट सो वेल दे आर अचीविंग देयर गोल्स. और मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को भी वो एक परफॉर्मेंस फीडबैक देना चाहिए ताकि जो गोल अचीव करने का प्रोसेस है वो स्मूदन होता जाए. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो गोल सेटिंग प्रोसेस या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ाते हैं. अब थोड़ा सा और डिटेल में लास्ट टाइम समझ लेते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस इस फ्लो चार्ट के थ्रू. तो होता क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में, कि सबसे पहले होता है गोल सेटिंग. तो जो मैनेजर है और सुपरवाइजर है वो आपस में मिलते हैं और जॉइंटली डिटरमिन करते हैं कि कौन से गोल्स हैं जो मैनेजर अचीव करने की ट्राई करेगा कितने वक्त के बीच में. So they are deciding the goals that the manager will try to achieve and they are also giving a time limit. ठीक है, manager और supervisor आपस में मिलके manager को time limit भी दे रहे हैं कि इस time limit में आपको ये goal achieve करना है. तो supervisor direct कर रहा है manager को, हालांकि manager और supervisor management by objectives के process में goals को और कौन सी time limit है जिसमें वो goals achieve होंगे उसको jointly ही discuss करते हैं. Why jointly? Because you see, अगर manager भी उस goal setting process में involved रहेगा, So, उसको एक सेंस ऑफ यू नो पर्सनल वाली फीलिंग आएगी उस गोल को लेके कि हाँ ये गोल मेरा भी है, मुझे भी अचीव करना चाहिए इस गोल को. सो देयरफॉर ये हो गया आपका गोल सेटिंग. एक बारी गोल सेट हो गए और हमें पता लग गया कि इस टाइम पीरियड में ये गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि सुपरवाइजर जो है मैनेजर को कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं कि भाई अब आपको जैसे डिसीजंस लेने हैं, जो करना है अपने गोल्स को मीट करने के लिए, जिस तरीके से आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन Whatever you are doing towards goal achievement, उस progress को जो है periodically हमें थोड़ा सा assess करना पड़ेगा. So supervisor implementation के case में manager को यही बोल देता है कि आपको complete autonomy है, आपको जैसे decisions लेने हैं, जो path follow करना है अपने goal को achieve करने के लिए आप करो, लेकिन periodically जो है मैं assess करती रहूँगी आपको कि आप जो अपने goals achieve कर रहे हो, जो path जो भी follow कर रहे हो, क्या वो useful है भी कि नहीं, क्या आप goal eventually achieve कर पा रहे हो कि नहीं. तो ये जो मैनेजर और सुपरवाइजर है आपस में मिलके फिर इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें मैनेजर माइट यू नो सॉर्ट ऑफ गिव अ रिपोर्ट कि ये मुझे गोल्स बताए गए थे, ये टाइम पीरियड था जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, एंड टू दिस एक्सटेंट आई हैव अचीव्ड और दिस एक्सटेंट आई हैव नॉट अचीव्ड, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर डिस्कस्ड. एंड फाइनली आपका इवैल्यूएशन आता है जो काफी रिलेटेड है जो मैंने अभी डिस्कस किया, जिसमें मैनेजर और सुपरवाइजर फिर फाइनल बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो टाइम पीरियड है अब खत्म हो चुका है, तो जितना हमने गोल सेट किए थे उसमें से कितने लेवल ऑफ गोल्स आपने जो है अटेन कर लिए हैं. ठीक है, तो वो चीजें डिस्कस होती है. फर्दर अगर कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनको अटेन या अचीव नहीं कर पाए हैं तो वो भी डिस्कस किया जाता है कि व्हाट कैन बी द रीजंस दैट यू वर नॉट एबल टू अचीव दीज गोल्स और अटेन दीज गोल्स, और फिर जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसके लिए गोल्स को फिर से जो है सेट किया जाता है. ठीक है, तो वापस से जो है गोल सेटिंग प्रोसेस में वो चले जाते हैं. तो ये बेसिकली कंटिन्यूम की तरह चलता रहता है कि मैनेजर और सुपरवाइजर मिलके गोल को सेट कर रहे हैं, फिर मैनेजर को पूरी ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी जा रही है कि अब जो है वो लोग अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे मैनेजर्स, एंड फिर इवैल्यूएशन किया जा रहा है. सुपरवाइजर और मैनेजर एक बार फिर मिलके असेस करते हैं कि कौन से गोल्स अचीव हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और नेक्स्ट टाइम कौन से गोल्स अचीव करने चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सबको ऐसे कुछ स्पेशल सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसी टाइप के मैनेजमेंट को कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम एम्प्लॉयज को स्पेशल सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं ताकि हर एक एम्प्लॉय जो है
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेटेड हो, और हम जब उन्हें ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो अपना वर्क करने के लिए भी काफी हद तक मोटिवेटेड रहते हैं। राइट नाउ टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पे आती है वो है पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड रिवॉर्ड्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में जैसा पहले भी काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिकली जो है परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। इवन दो लोगों को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है अपने डिसीजंस मेक करने के लिए, लेकिन दैट कंप्लीट फ्रीडम कम्स विद पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया कि अब आपको जैसे करना है करो, नहीं, बीच बीच में परफॉर्मेंस के उनके असेस करते रहते हैं। ये देखा जाता है कि हाउ क्लोज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज टू अटेनिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स दैट वर असाइन टू देम। ठीक है, तो वो असेसमेंट होती रहती है और फिर बेस्ड ऑन दैट रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स अपने गोल के जितने क्लोज हैं उसके बेसिस पे उनको और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट इट फर्दर मोटिवेट्स देम। तो ये एक पूरा MBO का टेक्निक है जिसमें जो मोस्टली जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे यूजफुल हो सकते हैं? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ना उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को अगर हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, कोई ना कोई गोल दे रहे हैं अचीव करने के लिए, तो हर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है अपने गोल के टूवर्ड्स काम करने में। उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा रही है, गोल्स भी वो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले गोल्स होने चाहिए कि स्पेसिफिक है, नॉट सो डिफिकल्ट है, अचीवेबल है। ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है उस गोल को और लोगों को कंटिन्यूअस फीडबैक मिल रहा है अपने गोल से रिलेटेड। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑल इन ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है एंड हेल्प करता है टू अटेन एन ओवरऑल सेंस ऑफ एफिशिएंसी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की जो आज के वीडियो का पार्ट है, जो कि है क्वालिटी सर्कल्स। तो क्वालिटी सर्कल्स एक चीज इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग। कि ऐसा क्या हुआ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी चीज होते हुए कि वो कुछ गलत हो गई। सो यूजुअली क्वालिटी सर्कल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, वेदर इंटरनल और ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कुछ क्वालिटी सर्कल्स बनाए जाते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं कि ऐसा क्या गलत हो गया कि ये प्रॉब्लम अराइज हुई। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक और एक स्मॉल टीम को असाइन किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू अटेन सम स्पेसिफिक गोल्स और एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वालिटी सर्कल है, क्वालिटी का सर्कल। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करें, क्वालिटी में फोकस करें। तो एक स्पेसिफिक टीम है, स्मॉल टीम है, यानी कि उसमें ज्यादा मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है। उन सारी जो टीम मेंबर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक ही टास्क दिया जाता है, या तो कोई स्पेसिफिक गोल्स अटेन करने का टास्क, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उसके क्या रूट कॉज है, उसका क्या कॉज है, उसको एनालाइज करने का टास्क। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ क्वालिटी सर्कल। एक फ्लो चार्ट के थ्रू सॉर्ट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है क्वालिटी सर्कल में कि सबसे पहले देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज देयर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि यूजुअली हमने डिस्कस किया ना कि एक स्पेसिफिक स्मॉल टीम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक स्मॉल टीम में ऑलमोस्ट 8 to 10 मेंबर्स होते हैं जो कि सेम ही एरिया के हों और एज मॉडरेटर्स एक्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के टूवर्ड्स काम करने में। तो वो एक क्वालिटी सर्कल बन जाते हैं कि 8 to 10 मेंबर्स हैं उसी सेम एरिया के ऑर्गेनाइजेशन के, एंड नाउ दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। तो सबसे पहले उनको जो है ट्रेन कराया जाता है। ट्रेन इन व्हाट? ट्रेनिंग दी जाती है ग्रुप प्रोसेसेस में कैसे काम करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर यू नो दीज थिंग्स, फॉर एनालाइजिंग द रूट कॉज और फॉर अटेनिंग स्पेसिफिक गोल्स, तो आपको डेटा कलेक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप के साथ कैसे काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम का आप एनालिसिस कैसे करोगे। सो इस स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रेनिंग दी जाती है क्वालिटी सर्कल में तब्दील होने के लिए। फिर क्या होता है? प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। तो प्रॉब्लम को पहले हमें आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि चलो जो भी इशू अराइज हुआ तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर माइट बी अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो क्रिएट हों, ठीक है, जिसमें हर एक जो एम्प्लॉय है या जो मेंबर है
वो अपने अपने इनपुट दे रहा है कि ये हो सकता है ये रीजन हो या हो सकता है ये रीजन हो, ठीक है। फिर कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस भी हो जाते हैं, फिर जब लोग एक कंसेंसस पे रीच करते हैं कि हाँ आई अग्री कि मे बी यही प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रॉब्लम का जो है एनालिसिस किया जाता है कि क्या कॉज हो सकता है इस प्रॉब्लम का और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। सो ये सारा एनालिसिस करने के बाद वो क्वालिटी सर्कल फाइनली एक सल्यूशन पे रीच करता है कि उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, एंड देन हैपेंस द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट सल्यूशन। प्रेजेंटेशन ऑफ सल्यूशन में क्या है कि उस सल्यूशन को फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग भी की जाती है कि भाई क्या ये सल्यूशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। बस ये एक लाइन आप अच्छे से याद रखिए कि क्वालिटी सर्कल्स पहली बात प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, एंड इसमें स्पेसिफिक स्मॉल टीम को एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करने के लिए, एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए असाइन किया जाता है, एंड दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस दैट हैपन। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 10 मेंबर्स ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करके या फिर लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव क्रिएट करके, कंसेंसस पे रीच करके फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, एंड फाइनली एक सोल्यूशन पे रीच आउट करते हैं और उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप ये दो बहुत ही छोटे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको MBO और क्वालिटी सर्कल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड आई एम सॉरी इफ देर हैव बीन एनी बैकग्राउंड नॉइजेज इन टुडेज वीडियो बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल देम, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं था मेरे हाथ में, कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल करना। ऑल राइट, सो आई एम सॉरी इफ दे हैव बीन डिस्टर्बिंग, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वील बी बैक अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय।